बात करते हैं जो छात्रों की, जो छात्र रोजगार को लेकर के अपना आंदोलन कर रहे हैं, काफी वक्त से आंदोलन कर रहे हैं उनका, हम लोग इनसे बात करते हैं। सुबोध जी, छात्र काफी वक्त से आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह सरकार ने कहा था कि यह साल नियुक्तियों का वर्ष होगा, लेकिन अभी तक उन लोगों को ना नियुक्ति मिली है ना नया किसी चीज। छात्रों की लड़ाई के साथ हो, 100% साथ हो उनके साथ, काम दो या भत्ता दो, ये हमारा वादा रहा है और ये वादा हेमंत सरकार करेगा, पूरा करेगा। आप जान रहे हैं कि लोगों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में शुरू हो गई है। तो जो सवाल है, ये सरकार हमारी है, दस्तूर पुराना जारी है, तो संघर्ष भी हमारा जारी रहेगा। हम सत्ता और संघर्ष, जरूरत हुआ तो दोनों एक साथ लेके चलेंगे। मैं छात्रों के सवाल से सहमत हूँ और उससे हम लोगों को कोई बहुत ये नहीं होता है कि वो आके नारा लगा रहे हैं। जो अपनी बात नहीं कहेगा उसकी बात कौन सुना। 8 दिन बने हुए हुआ इस सरकार का, 1.5 साल तो कोरोना में जान बचाने में झारखंड सरकार ने जो अपना इतिहास बनाया है वो भी समझना चाहिए बच्चों। जैसा मैंने कहा कि जो वादा था हम उस वादे से कभी पीछे नहीं रहे। आप लोगों की दूसरी मेगा सूची जरूर निकाल के देंगे, लेकिन अब तक आप भी अपने वादों पर खड़ी नहीं कर पाए। देखिए, शायद आपको नहीं पता है कि कल हम अपने सारे मंत्री गण के पास जाके पहले तो फोन पे भी बात किए। आप बन्ना सर यही है, बन्ना सर आपको सुबह फोन किए थे कल कि नहीं किए थे कि कैबिनेट में बात रखने के लिए हमने अपने सारे मंत्रियों को कॉल किया और जाके बकायदा लेटर भी दिया, वो फोटो आपके पास पहुंचा होगा, हमने ट्वीट किया है। और अगला कैबिनेट के बैठक तक हमने बोला है इन अपने सारे माननीय मंत्रियों को कि हमें जवाब दे कि हमें उन छात्रों को क्या जवाब देना है, मतलब कब तक होगा और अगर होना है तो उनका अगले कैबिनेट तक उनका कोई निर्णय आ जाना चाहिए। तो हमारा प्रयास आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम कल पूरा दिन भर इसमें ही पूरा समय दिए हैं रांची आके। रोजगार मिलना चाहिए, केंद्र सरकार की नीति ऐसी हो, राज्य सरकार तो सरकारी नौकरी देगी तो राज्य सरकार सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। कोरोना के वजह से कुछ बाधा पहुंची, लेकिन कोरोना अब खत्म हो रहा है, बाधा खत्म हो जाएगा, हमारे रोजगार जो योजना जो है वो लागू होगी और यहाँ के गरीब लोगों को, यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। सवाल देखिए, झारखंड सरकार सभी हालातों पर, चाहे बेरोजगार की मुद्दा हो, लोगों को रोजगार देने का मुद्दा हो, यहाँ के हर चीज के बारे में वाकिफ है। और हम लोग रोजगार नीति, जो रोजगार अभी तक लोगों को नहीं मिला है, उसके लिए नीति बनाकर बहुत जल्द जो यहाँ की बेकार रोजगार युवक हैं, जो कुछ पेंडिंग भी है पहले से, सारे चीज़ को शॉर्ट आउट बहुत जल्दी हम करके यहाँ की झारखंड की बेहतरी के लिए सब। आप लोगों ने वहाँ पे सुना कि किस तरीके से अपने रोजगार को लेकर के छात्र विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ अदूप सिंह जी है, क्या कुछ कहना है, क्योंकि छात्र काफ़ी समय से विरोध कर रहे हैं। देखिए, छात्र की जो समस्या है वो निश्चित तौर पर चिंतनीय है और सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को सामने पटल पे लाने में समस्या उत्पन्न होती है जिसका निदान करने के बाद ही हम पब्लिक फोरम में रख सकते हैं। जिस दिन हो जाएगा शायद इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हेमंत सोरेन जी इनके पक्ष में और हमारी जो मंत्रिमंडल है इनके पक्ष में काम कर रही है। तो और क्या कुछ वहाँ पर, अभी जिस छात्र बोल रहे हैं कि 2 महीने का ही वक्त आप लोगों ने मांगा था कि 2 महीने में हम लोग आपकी नई सूची जारी कर देंगे, चाहे आपको रोजगार दे देंगे, और इस वर्ष को भी नियुक्ति वर्ष का रोजगार के लिए कहा गया था, तो अभी तक उस पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, समय किसी के हाथ में नहीं रहता और समय में अड़चने बहुत आती है,
जब हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी थी तो उनको नहीं मालूम था कि कोरोना के चलते उनका 1.5-2 साल खराब हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर अड़चने के चलते समय का भी फेरबदल होते रहता है, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी अपने बातों पर अटल है, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जब उन्होंने बोला है नियुक्ति वर्ष रहेगा तो इस वर्ष खत्म होते होते नियुक्तियाँ आपको। आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ सभी मंत्रियों का कहना है, चाहे वो सुबोधकांत साय हो, अनुप सिंह हो, चाहे आलमगीर आलम हो या फिर रामेश्वर राव, सभी लोगों का एक ही चीज कहना है कि हम जल्द से जल्द रोजगार देने का काम करेंगे और जितने भी छात्र हैं और उन लोगों के लिए जो वादा किया गया था इस वर्ष को नियुक्ति का वर्ष जो घोषित किया गया था वो इस साल के अंत तक भी इस साल को रोजगार का साल मनाया जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार, मैं पूजा नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।